हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम अपडेटिंग में। आज हमारा प्राइजेक्शन का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखेंगे शूटिंग स्टार और हैमर के बारे में। हैमर और शूटिंग स्टार दोनों एक दूसरे के एकदम से विपरीत हैं, ठीक है। अगर हैमर जो हमारा है वो बुलिश रिवर्सल है, तो शूटिंग स्टार हमारा जो है वो बियरिश रिवर्सल है, ठीक है। तो इन दोनों को बेसिक से सीखा जाएगा, सपोर्ट पे कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस पे कैसे काम करता है, और कहाँ हमें इसे यूज करना चाहिए, कहाँ हमें इसे नेगलेक्ट कर देना चाहिए, इन सब चीजों पर एक एक क्रम से हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और सीखते हैं। तो ये हमारा हैमर कैंडलस्टिक है। आप देख सकते हैं इसमें दो हैमर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, एक है ग्रीन और एक है रेड। इससे ये समझा जा सकता है कि हमें रेड या ग्रीन से मतलब नहीं है, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, दोनों क्या होगा, हैमर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेड बनेगा तो हम उसको हैमर नहीं मानेंगे, हम उसको भी हैमर ही मानेंगे। इसमें कलर का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें वीक नहीं होता है, ठीक है, इसमें वीक नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सी वीक होती है नीचे, और ऊपर एक छोटी सी बॉडी होती है, जिसका रेशियो होता है 1:2 या 3, ठीक है, 4 भी हो सकता है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात को समझिए, ठीक है। मतलब अगर ये 1 है तो कम से कम 2 से 3 गुना ये बड़ा होना चाहिए, ये वाला पार्ट जो है, सीखे, ठीक है ये। और ऊपर जो है इसका वीक ना बहुत छोटा, अगर हो भी तो छोटा सा, ठीक है, ज्यादा बड़ा ना नहीं, समझ रहे हैं। इसकी साइकोलॉजी क्या है वो बता रहे हैं, ऐसा क्यों माना जाता है। देखिए, सिंपल सा माना जाता है कि हैमर का क्या मतलब होता है। हैमर का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, और यहां पर एक हैमर फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि अभी तक क्या है, यहां पे सेलर मजबूत है, ठीक है, बायर कमजोर थे, ठीक है। यहां पर जब आते हैं तो मार्केट को, यहां पे ओपन होता है मार्केट, मार्केट को एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है यहां पर, ठीक है, यहां पर पहले रेड कैंडल बन रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी सेलर तब तक मजबूत रहते हैं, मार्केट को गिरा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से यहां पर बायर की एंट्री होती है, और बहुत तगड़े बायर की एंट्री होती है यहां पर, और क्या करते हैं, मार्केट को पूरा ऊपर ले जाते हैं, और कहां, ओपन से ऊपर क्लोज करा देते हैं, ठीक है। ओपन यहां होता है और क्लोज क्या हो जाता है, यहां, और ये बन जाती है ग्रीन कैंडल। मतलब कि मार्केट में अभी तक तो सेलर का कब्जा था, लेकिन मार्केट अब क्या हो गया, बायर के कब्जे में आ गया। सेम यही चीज रेड कैंडल में भी होती है, लेकिन रेड कैंडल थोड़ा सा इससे कमजोर माना जाता है, कमजोर नहीं मान सकते, लेकिन 5% 10% का थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बायर तो आते हैं लेकिन ओपन से नीचे ही ये क्लोज करते हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा सेलर को दिखाता है, लेकिन वैसे दोनों पर हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये जो बायर जो है इतने तगड़े हैं कि मार्केट को नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही मार्केट को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मार्केट क्या है, नीचे गिर रहा है, और यहां पर थोड़ा बहुत मार्केट होल्ड करता है अपने आप को, और यहां पर क्या करते हैं, यहां मार्केट पहले नीचे आता है, गिरता है यहां पर, लेकिन फिर बायर इतनी तेजी से आते हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाकर क्लोज करा देते हैं। मतलब अब बायर क्या हो गए, वो सक्रिय हो गए, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लेंगे हम लोग, ट्रेड को समझते हैं। ट्रेड लेने का तरीका है कि जब तक हैमर के क्लोज को मार्केट क्रॉस ना करे, मतलब ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहां से जब तक क्रॉस ना करे तब तक एंट्री नहीं बनानी है। जैसे ही इस ये क्रॉस किया, यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। हम ये लोग तो देते हैं कि सेकेंड कैंडल के ऊपर एंट्री, लेकिन नहीं, आप जो है फर्स्ट इंटर को जैसे ही क्रॉस करें आप 50% एंट्री लीजिए, 50% ओनली 50%, पूरा कैपिटल नहीं एंट्री करना है, और 50% का वेट करिए, जब तक ये 50% के अपने नीचे आ जाता है तब अपना बचा हुआ कैपिटल को यहाँ पर और बाई कर लीजिए। इससे क्या हुआ, आपका आपका जो रिस्क रिवार्ड हुआ है वो आपका कम हो गया। मतलब आपका एसएल कितना, अगर एसएल हिट भी होगा तो कितना होगा, आपका सिर्फ इतना होगा, आपने इतना एसएल अपना एवरेज करके बचा लिया, ठीक है।
अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ 50% से ही हम ट्रेड करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी साइकोलॉजी सिंपल सो है, मार्केट में सेलर का कब्जा था, अचानक से मार्केट में बायर अपने बहुत बड़े संख्या में आए और मार्केट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एक इसका एग्जांपल और देख ले कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब मार्केट, अच्छा हैमर का एक और प्रॉपर्टीज होता है, उसको समझ लीजिए। हैमर का जो लो होता है, ठीक है, जो लो होता है उससे नीचे इसके पीछे की कोई कम से कम 4-5 कैंडल में से कोई कैंडल लो न लगाई हो, जो इसका लो हो इससे ऊपर ही इनका लो होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है। अगर इसके लो को इधर इससे पीछे कोई भी कैंडल, 4-5 कैंडल जो पीछे बनी है उसमें से कोई कैंडल इसके लो से नीचे लो बनाया है, मतलब यहां बनाया है, तो ये हैमर काम उतना अच्छा नहीं करेगा जितना अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और यहां पे हैमर बना और मार्केट रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इंट्री कहां होगी, हमारी इंट्री यहां होगी, हमारा एसएल कहां होगा, यहां होगा इसके लो पर, और हमारी 50% इंट्री कहां होगी, यहां पे। अगर नहीं आया 50% तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इंट्री 50% इंट्री लेकर के 3 से 4 गुना हम प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। और अगर हमें एक्यूरेसी बढ़ानी हो तो और क्या क्या चीजें देखनी हो, हैमर हर जगह, हैमर में एंट्री बनाना खतरनाक होता है, तो हैमर में कहां एंट्री बनाए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे पहला चीज कि हमें हैमर में देखना चाहिए कि कहीं सपोर्ट है कि नहीं है, ठीक है। पहला चीज हमें पीछे जाके देखना है कि सपोर्ट कहीं बना है कि नहीं बना है, तो ये देख लेते हैं कि यहां सपोर्ट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या जो है वॉल्यूम जो है वो यहां पर आया है कि नहीं आया है, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम भी है, ठीक है। तीसरी चीज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट पुट राइटर ज्यादा है कि नहीं है, मतलब प्लस में है कि नहीं है, ठीक है। कॉल राइटर की अपेक्षा इधर के किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर का अधिक होना ये हमारा कंफर्मेशन और पुख्ता कर देगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे तब जाकर के ट्रेड लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अचानक से देखें कि नहीं ये फॉर्म हो रहा है हैमर कैंडल और हमने ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ट्रेंड देखना है, आवरली पे क्या चल रहा है, डे पे क्या चल रहा है, वीकली क्या चल रहा है, इन सब का एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप हैमर देखा और ट्रेड ले लिया, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत कम हो जाएगी, 50% से नीचे आ जाएगी। हैमर की एक्यूरेसी अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो 70 से 75% भी एक्यूरेसी इसकी मानी जाती है, ठीक है, हैमर और शूटिंग स्टार की, ठीक है। ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। शूटिंग स्टार जो होता है सेम उसका अपोजिट होता है हैमर का, ठीक है। इसमें ये रेड कलर दिखाया है, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कलर में भी बनता है तब भी इसको हम शूटिंग स्टार भी ही मानते हैं। इसमें विक नहीं होती है, अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। अपने बॉडी का विक जो है कम से कम 2 से 3 गुना होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 2 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अपने अपने पीछे किसी भी कैंडल का इसका हाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका अगर ये हाई है तो पिछला वाला कैंडल इससे नीचे ही हाई बनाया हो, ठीक है, तभी ये काम करेगा। इन 4-5 चीजों को ध्यान दीजिएगा तभी शूटिंग स्टार में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। पहली चीज कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। वहां पर अगर शूटिंग स्टार बनना है तो पहली चीज जो बॉडी है वो वीक की कितनी होनी चाहिए, बॉडी का वीक जो है कम से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज वीक नीचे साइड में नहीं होना चाहिए, नीचे में वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए, ठीक है, तभी ये रिवर्स करेगा।
इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपने देखा कि ऐसा हथौड़ा टाइप का कुछ बन रहा है, उल्टा हथौड़ा टाइप का, तो हम शूटिंग स्टार मान ले उसको, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक चीज देखिए, इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें हम लोगों को देखना है चार पांच चीजें, इसमें भी हम लोगों को देखनी है। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन चेन, चौथा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, पांचवा सेंटीमेंट। ठीक है, ये सब चीजों को देखने बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक से शूटिंग स्टार कहीं भी बन जाए और कहीं भी हम ले लें। अभी इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, वॉल्यूम को पढ़ेंगे, ऑप्शन चेन को, साइकोलॉजी को, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, सेंटिमेंट क्या होता है। तो क्रम वाइज चलिए, अभी उन उन सब चीजों को बना के उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही सिंपल सा देखिए। तो पीछे हमारा क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार मार्केट जो है रजिस्ट किया है, यानी एक बार यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर जब शूटिंग स्टार बन रहा है, यानी ये हमारा एक जो रेजिस्टेंस वाला जो फैक्टर है उसको ये वेरीफाई कर रहा है, यानी हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, बॉडी का 3 गुना कम से कम इसका वीक है, इसका जो हाई है वो पीछे कोई तोड़ा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा एंट्री पहला है, जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो हमारा पहला एंट्री होगा कितना, 50%। दूसरा हमारा इसके 50% पे जाएगा तो हमारा 50% और कैपिटल ऐड कर लेंगे और एवरेज कर देंगे, और हमारा SL होगा इसका हाई, और हमारा टारगेट होगा कम से कम इसका 3 से 5 गुना, ठीक है? कभी कभी ये 15 गुना 20 गुना भी SL का दे देता है, उस वो ट्रेल करके ही लोग ले पाते हैं, ठीक है? ट्रेलिंग अगर आपको आती है तभी आप उतना बड़ा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, नहीं तो 2 से 3 गुना में आप तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है? इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है? एक चार्ट है, इसमें आप देखिए कि मार्केट जो है यहां से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है, फिर हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो यहां पर हम देखते हैं कि मार्केट काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है और यहां पर एक शूटिंग स्टार फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है? अब इसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि यहाँ ट्रेड लिया जाए कि नहीं लिया जाए, इसकी पुष्टि के लिए हम चलेंगे पीछे। पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि यार यहां पर भी एक जो है मार्केट का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल ये है, यानी हमारी एक पुष्टि हो गई क्या, और जो वॉल्यूम वगैरह है वो जब आगे पढ़ेंगे तो हम ध्यान देंगे। तो एक हमारी पुष्टि कर रही है, यानी हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड लेंगे यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर एंट्री, SL कहाँ पर होगा, यहाँ पर SL होगा। देखेंगे बॉडी का कम से कम 3 गुना वीक है कि नहीं है, है। बॉडी हाई है, उस हाई के क्रॉस तो कोई नहीं, पीछे की 3-4 कैंडल की है, नहीं सब नीचे है, ठीक है? तब क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री अपनी करेंगे कितना, 50%, ओनली 50%। यहाँ पर जो एंट्री है वो सिर्फ 50% ही आपको मिल पाती है, बाकी 50% ऐड करने के लिए ये पीछे आता ही नहीं है मार्केट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50% ही अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, तो ये रहा शूटिंग स्टार और हैमर का एक बेसिक फंडामेंटल, और इसको आगे हम लोग और एडवांस लेवल में सीखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे बलूम वगैरह, जब हमारा क्लियर हो जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये सब चीजें जब क्लियर होंगी तो एक बार कैंडलस्टिक को एडवांस लेवल पे देखा जाएगा। बहुत चीजें नहीं है उसमें, छोटी मोटी चीजें हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कैंडलस्टिक को समझते हुए। धन्यवाद।